Greetings to all in Dr. Abha Chemistry Paathshala. So I'm here again to continue my journey of NCERT. So guys, those of you who are with me since long, they know that we've been doing a series on NCERT. और मैंने NCERT का क्लास 11 का यूनिट 12 ख़त्म कर दिया है. सो उसमें कुछ 16-17 वीडियोस हैं और जिसमें मैंने टॉपिक वाइज लिया है. और एज एंड व्हेन यू गेट टाइम और आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो भी देखना हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो आप उस पर भी जा सकते हो, नहीं तो प्लेलिस्ट भी लगाई हुई है. उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है और आप आई बटन में भी देख सकते हैं. ओके, सो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 13 ऑफ क्लास 11. सो गाइज 12 और 13 यूनिट प्राइमरीली ऑर्गेनिक का है और काफ़ी अटैच्ड है. और ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जिन पे क्लास 12 की सारी ऑर्गेनिक बेस्ड है. और मेरे को यू नो द पर्पज़ व्हाई आई टुक दीज यूनिट्स बिफोर वाज ये क्लास 12 के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है और क्लास 11 के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है, राइट. सो कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि मैम आप 12th की पहले सीरीज़ बनाइए क्योंकि 12th में बोर्ड का एग्जाम होता है. सो आई डू एग्री बच्चे, बट 12th का ऑर्गेनिक करने के लिए, 12th के चैप्टर्स करने के लिए आपको 11th के चैप्टर्स के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोज़ अगर आपने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा है तब भी आप कर सकते हो. ओपन यूनिट 13 आप सबसे पहले देखोगे जो आपके टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं एल्केन से एल्काइल ग्रुप्स को बनाना और थोड़े बहुत आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो गाइस मैं आपको बता दूं ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी कवर हो गए हैं. तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इन दोनों के मैं सेपरेटली लिंक्स डाल रही हूँ. एक डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स और जो कि आई थिंक मैंने नॉमनक्लेचर के साथ क्लब किया है, बट मैं उसका लिंक डाल दूंगी. एंड सेकेंड जो आपका टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म, उस पर मेरा पूरा वीडियो तैयार है. तो वो दोनों जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ मेथड ऑफ प्रेपरेशन. एक बार आपको फिर से बता दें कि 11th और 12th में जब भी आप कोई कंपाउंड उठाओगे, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, अल्कोहल्स हो, अल्डिहाइड हो, 12th में जाकर, और 11th में सिर्फ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन्स एंड बेंजीन है. एनसीईआरटी में कैसे उसको कवर किया है, पहले आपको दिया है थोड़ा सा इंट्रो, देन मेथड ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. तो अब हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन पे. तो आपको पता है एल्केन को बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. एल्कीन से बन सकता है, अल्काइन से बन सकता है रिडक्शन के साथ, और आप एल्किल हैलाइड्स को भी रिड्यूस करके बना सकते हो. बहुत सारे तरीकों से आप एल्केन्स को बना सकते हो. सो मुझे स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, तो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन. सो ही इज द फ्लो चार्ट फॉर द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स. सो वन इज रिडक्शन एंड इट्स वेरी सिंपल. किसका रिडक्शन कर सकते हो आप? ओलिफिन्स. ओलिफिन्स में आते हैं आपके डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. इसके अलावा आई विल टेल यू फंक्शनल ग्रुप में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स हो गए एंड एसिड्स हो गए, जिनके रिडक्शन से भी आपको एल्केन्स मिलते हैं. दिस मेथड इज़ नॉट एन एनसीईआरटी. इसके बाद एल्किल हैलाइड से 2-3 मेथड्स हम करेंगे एंड वी विल डू डीकार्बोक्सिलेशन ऑल्सो. एल्किल हैलाइड में वी विल बी डूइंग फर्स्ट इज वर्ट्स रिएक्शन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट. वी विल प्रिपेयर ग्रिगनार्ड फ्रॉम एल्किल हैलाइड एंड ग्रिगनार्ड से हम हाइड्रोकार्बन्स को, एल्केन्स को बनाएंगे. डीकार्बोक्सिलेशन में हम कोल बेस का डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे एंड विल बी डूइंग डीकार्बोक्सिलेशन इन जनरल. सो आप इस फ्लो चार्ट का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बड़ा सिंपल है, आपको एल्कीन्स और एल्काइन्स का रिडक्शन आप कैसे कर सकते हो. आपने एल्कीन्स लिए और आपने इसको रिड्यूस कर दिया. रिडक्शन में आपको हमेशा हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और हाइड्रोजन विदाउट कैटलिस्ट काम ही नहीं करता है. और बेस्ट कैटलिस्ट जो आप ले सकते हो वो है निकल ले लेते हो. आप पीटी भी ले सकते हो, आप पीडी भी ले सकते हो, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं हाइड्रोजन के साथ. और आपको इसमें रिडक्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड के ऊपर और आपको सीधा एल्केन्स मिल जाएंगे, राइट. सो एरिया ऑफ एक्शन किधर होगा? एरिया ऑफ एक्शन यहाँ पर होगा. सो ऐसे ही आप एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हो. आप चाहें तो एक ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो. सो मैं ले लेती हूँ प्रोपाइन. मैंने प्रोपाइन लिया, अगेन मैंने इसमें हाइड्रोजन डाला और इसमें मैंने डाला पीडी एंड आई गेट एल्केन्स. दैट इज दो स्टेप में होगी. पहले आपको मिलेंगे एल्कीन्स और फिर आपको मिलेंगे एल्केन. ये आप बहुत प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हो, बहुत सिंपल रिएक्शन है. ओके, और इसके साथ अगर आप चाहो तो एक रिडक्शन और भी कर सकते हो. फंक्शन ग्रुप्स में हम लेंगे
alcohol, right? Aldehyde. आप कुछ भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो. चलिए पहले कीटोन ले लेते हैं, फिर एल्डिहाइड ले लेते हैं. सो आपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स ले लिए हैं. अब इनका हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, एच आई एंड अ हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर अबाउट 453 के आसपास होता है, हाई टेम्परेचर, राइट. और आपने क्या ध्यान रखना है, सब पे सेम. यहाँ रिडक्शन होगा, इन सब का रिडक्शन होगा और आपको सीधा एल्केन मिल जाएगा. तो आपको यहाँ पर प्रोपेन, दिस हैज टू कार्बन्स, दिस ऑल्सो हैज टू कार्बन्स. सो यहाँ पर दो कार्बन का आपको इथेन एंड यू विल गेट इथेन. सो ये आपका हो गया रिडक्शन. आई होप this and this is clear to you. So now let's pick up alkyl halide. So first is reduction, simple reduction. आपने कोई भी alkyl halide ले लिया, right? और आपने zinc और hydrochloric acid में उसका reduction कर दिया. Ethyl chloride and you produce hydrogen with the help of ZnNHCl, right? And straight away you get alkane, you get alkane, and you, byproduct will be HCl, right? And there is one more way. Using alkyl halide, we can make Wurtz reaction happen. Wurtz reaction is a named reaction in which you take alkyl halide in presence of sodium and medium होगा dry ether. Dry ether आप इसलिए लेते हो क्योंकि आपको थोड़ा सा भी moisture होगा, अगर water होगा तो आपको पता है sodium explosive होता है, पानी के साथ react कर जाता है. तो आपने dry ether लिया तो आपको मिल गया. इस रिएक्शन को लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्टेप. सो ये अगर आप बैलेंस करना चाहो तो आप इसको यहाँ पे 2 लिख सकते हो और यहाँ पर आप 2NaX लिख सकते हो. लेट मी शो यू हाउ दिस रिएक्शन कैन बी डन. सपोज आपने CH3Cl लिया, राइट. इसमें आपने Na डाला तो आप क्या करोगे, आप एक तरफ और लिख लीजिए CH3Cl. Na ये दो लिया आपने और आपने इससे NaCl निकाल लिया और आपको मिल गया प्रोडक्ट फिर से CH3 प्लस 2NaCl. सो वर्ड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये इवन नंबर कार्बन एटम्स के लिए होती है. ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए प्रेफर्ड होती है. सपोज आपने ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाना चाहा. सो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर प्रोपेन, सो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको 3 कार्बन में पहले एक जगह आपने मिथाइल क्लोराइड लिया और एक तरफ आपने लिया इथाइल क्लोराइड और इसके साथ आपने लगा दिया यहाँ पर सोडियम, राइट. नाउ अब क्या होगा, एक वर्ड्स इसका होगा, एक वर्ड्स आपका इसका होगा और एक वर्ड्स आपका इन तीनों का कॉमन होगा, राइट. सो देयर आर बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स. वन विल बी व्हेन बोथ ऑफ देम, दैट इज C2H5 एंड CH3 दे अंडरगो वर्ड, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. सेकंड इज व्हेन CH3Cl अगेन अंडरगोस वर्ड्स, सो व्हाट यू गेट इज CH3CH3. व्हेन C2H5Cl दैट अंडरगोस वर्ड्स, यू गेट C2H5, that is you get butane. So there are 3 products which are very close in their boiling point. So the reaction is not a preferred way to produce NaCl, will be byproduct to produce
alkanes, right? So let's move on to the third one. With the help of Grignard, with the help of alkyl halide, we prepared Grignard from Grignard reagent. Class, what we do is, we take alkyl halide, we treat it with magnesium in dry ether. Again, there is no moisture. I'll tell you why we don't take moisture. And then what you get is Grignard reagent. This Grignard reagent, when added to water, will give hydrocarbon. Just see the reaction. See, this has got a positive charge. So R has got a negative charge. Water, H has got a positive charge. OH has got a negative charge. So R minus abstracts this proton to give you RH, which is hydrocarbon. And you get magnesium hydroxy halide as byproduct. So this is how you get alkane from Grignard. This method is also not given in NCRT. We are done with alkyl halides. We have done Wurtz. We have done reduction of alkyl halide and we have done Grignard. So now let's start with decarboxylation, and we take acid salt, we treat it with soda lime, that is NaOH and CaO in the ratio 2:1. Na2CO3 is given out as a byproduct, and what you get is R and H, that is hydrocarbon RH. Beauty of the reaction is that RH will have one carbon less than starting acid salt. That's the beauty of the reaction. तभी आप इसमें decarboxylation कहते हो, because carboxy group remove हो जाता है और आपको जो मिलता है उसके में एक carbon कम रहता है. Second method of decarboxylation is coal base electrolysis. Now, coal base electrolysis में क्या करते हैं? आप acid का कोई salt ले लेते हो. You take acid का salt, right? And उसका aqueous solution लेते हो. Let us take CH3COONa. You can take potassium salt also. So you can take sodium or potassium salt of acid CH3COONa in water, right? And the products what you get is CH3, that is the alkane, you get CO2, you get hydrogen and NaOH, right? So if you want to write balanced reaction, although aapko pata hai organic mein balancing ka bahut zyada relevance nahi hota, but sometimes to understand the product balancing easy ho jati hai. Ab hum iski mechanism karte hain, right? So the mechanism of the reaction is, humne acid salt liya aur ye aqueous medium mein anion dega and cation dega, right? And you know that hamesha anode ke upar oxidation hota hai. Anode ke upar oxidation hota hai. So aapke jo anion hai, that is CH3CO O-, ye oxidize karenge. Kaise oxidize karenge? They will lose their electron and they will give free radical. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए और इन्होंने, और ऐसे विल टेक अ पेयर, राइट? सो जब दो ने दिए तो आप दो इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे आपका क्या रह गया, ये अकेला एक इलेक्ट्रॉन रह गया जिसे आप फ्री रेडिकल बोलोगे. और आपको पता है इफ़ देयर इज़ अ बिग फ्री रेडिकल, वो हमेशा ब्रेक करके एक छोटा फ्री रेडिकल देता है. सो वॉट यू डू इज, आई हैव टेकन टू हीयर, आई मिस्ड अ टू हीयर, यहाँ पे मैंने टू लगाया. What you get is, आपको दो मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे. और ये जो दो मिथाइल फ्री रेडिकल हैं, ये आपस में रिएक्ट करके आपको इथेन दे देंगे. तो आपको एनो पे इथेन गैस इवॉल्व हो जाएगी. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. पानी, या तो पानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके
राइट OH माइनस और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल देगा, राइट और आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो कि अपने आप से कंबाइन करके आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा, राइट. सो देर आर टू आयोन्स विच वी हैव विच वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट. एक तो OH माइनस एंड द अदर इज Na प्लस, राइट. सो ये जो दो आयोन्स हैं ये अभी भी मीडियम के अंदर हैं, ठीक है. सो ये आपको मिलके Na प्लस एंड OH माइनस इलेक्ट्रोलाइट में ही रहेंगे और ये आपको NaOH दे देंगे. सो फाइनल रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी. अगर आपको मैकेनिज्म नहीं लिखना है, सिर्फ फाइनल रिएक्शन लिखनी है, तो ये आपकी फाइनल रिएक्शन हो जाएगी, राइट. और आप देख सकते हो इसमें भी आपने कार्बन कम हुआ है CO2 निकल, तभी इसको भी डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं. कोलबिज भी एक तरह का डीकार्बोक्सिलेशन है जिसमें से कार्बन का नंबर कम हो जाता है. सो दीज वर द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन फॉर एल्केन. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स. सो आप जो फ्लो चार्ट है ना बच्चे, उसको बहुत ध्यान से करिएगा. और मेरा रिक्वेस्ट है बेटा, जितने भी मैं फ्लो चार्ट आपको दूंगी मेथड ऑफ प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, NCERT में फ्लो चार्ट नहीं है, आप ये वाले जो फ्लो चार्ट हैं आप अपने कहीं पे भी स्टडी टेबल पे लगा दीजिएगा, तो इससे आपको एक बार पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो अभी हम थोड़ी देर में मिलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ.